आज की टॉपिक है किसी भी चीज का लोभ कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। ये खेत है, ये खेत है, ये खेत है, तो इसमें कोई फसल है, इसमें कोई फसल है, और कहते हैं इसमें कोई अवांछनीय पदार्थ, मतलब जिसका उपयोग न हो इसमें, जो कि इस फसल को खराब कर दे, ऐसा या तो साथ में उगाता है या कोई चीज का छिड़काव करते हैं उसके साथ, या कोई कहते हैं ना साइड से फेंक दे इसमें कचरा, मतलब कुछ ऐसा पदार्थ जिसके कारण वो इसमें अपना क्या कहते हैं वो फैलने लगता है, जो इस फसल को बर्बाद कर दे, इस फसल को क्या करते हैं बर्बाद कर दे। तो उसको देखने के बाद क्या करता है, उसको काट के हटाया जाता है, ठीक है, फेंका जाता है, ठीक है। तो यानी कि वो तो खरपतवार तो हो ही गया, लेकिन अब देखिए इससे यहां से अभी देखिए समझिए, तो इस खेत से वो अवांछनीय पदार्थ को हटाया गया, यानी लुप्त हो गया। क्या हो गया? लुप्त हो गया उस खेत से, समझिए पूरी बात, उस खेत से क्या हो गया? लुप्त हो गया। तो क्या हो गया? ये फसल अच्छा होगा। अगर वो लुप्त नहीं हुआ, कुछ भी बच गया, कुछ भी बच गया, तो कुछ जगह को क्या करेगा? खराब कर देगा। और अगर साफे अगर इसको न ध्यान दिया जाए तो पूरे फसल को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, किसी चीज का अगर हम उपयोग में, ठीक है, नहीं करते हैं, किसी चीज का उपयोग नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? लोप हो जाता है। तो भाई किसी चीज का हम उपयोग करें, कैसे करें, जरूरत होगा उसी हिसाब से करेंगे। तो यानी कि अब देखिए यहां पे ध्यान से, जैसे आजकल ऐसे समझिए, जैसे शादी, उदाहरण, अब शादी करना, अब शादी से पहले ही सब कुछ मान लीजिए जैसे सब अलाउ हो रहा है, लिविंग रिलेशनशिप या कोई भी चीज, तो अब बताइए धीरे धीरे लोग शादी को महत्व देंगे, ठीक है, या तो मतलब कहते हैं इसके प्रति होंगे सजग, मतलब लिविंग रिलेशनशिप माने उसमें अवांछनीय पदार्थ, मतलब कहते हैं ना वहां पे आप समझ गए होंगे एक, तो अपने आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो वहां पे आप उसको रोक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? अपने आप। लेकिन यहाँ तो भाई अपनी अपनी स्वेच्छा है, सबको आजादी है और सब नियम भी जरूरी है, लेकिन अभी हम यहाँ पे टॉपिक है किसी चीज का लोभ कैसे होता है, इसी पे हम करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो अब जो है अगर मान लीजिए लिविंग रिलेशनशिप, जब जिसके साथ रहो इसके बाद छोड़ दो, मतलब स्वेच्छा सब कुछ, मतलब कुछ चीज ऐसी चीज है उस पर ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए आप शादी करना हो, शादी कौन करेगा? तो ये परंपरा से जो चलता आ रहा है, तो अब देखिए इसमें से आपके नजर में कौन सा अवांछनीय पदार्थ है? शादी। शादी अगर अवांछनीय पदार्थ है तो शादी नहीं करें, मतलब यही हुआ ना इसकी तरह। लेकिन अगर ये लिव इन रिलेशनशिप अगर रहेगा, यानी उसमें हर चीज में आजादी रहेगा बिना शादी से पहले, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो अब बताइए धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अभी आप देखो कोई चीज, अब आप देखते हो खेल देखते हो, खेल का क्या हो रहा है, कोई ऐसा जिससे हमारा मतलब कहते हैं तंदुरुस्ती बना रहे, मतलब कहने का तात्पर्य फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा रहे, तो उस सब खेल का धीरे धीरे लोप हो रहा है। क्यों? तो उसकी जगह गेम आ रहा है, गेम। तो जो हम स्वस्थ हो रहे हैं वो स्वस्थ रहते हैं? नहीं रहते हैं ना, आंख का भी तो प्रॉब्लम होता है। तो जो हम खेल ऐसे ही करके लोप होता है ना, रहता सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन धीरे 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 अगर इसको लेकर लंबे समय तक उपयोग नहीं करेंगे तो उसका लोप हो जाएगा, लेकिन उसको फिर कोई खोजेंगे तो नया डिस्कवर होगा। आप समझ रहे ना मैं क्या कहने जा रहा हूं? तो आप तो ये देखना है कि आपको कोई भी चीज में कि गलत क्या है, उस चीज को उपयोग करना बंद कर दे, उसका लोप हो जाएगा। और आपको लगता है गलत नहीं है तो सिचुएशन और परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है हर चीज। तो अब यहां पे देख लो क्या है, यहां पे हर चीज अगर आप ही देख लो, उदाहरण देख लो कि किस परिस्थिति में कैसा होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि यही चीज जरूरी है, आप देखो परिस्थिति देखो उसके हिसाब से देखो। तो ये इसमें आपको क्या लग रहा है कोई भी चीज में अवांछनीय है, तो एक ही चीज है। अब देखो आप पूरे ये मतलब जैसे मान लीजिए ये पूरा, ठीक है, इस पे हर चीज में क्या हो रहा है आपको, चाहे वो घर घर में कौन सा ऐसा वर्ड है, इसकी बात उसकी, उसको कहो उसकी बात इसको कहो, तो ये चीज से धूप फूस के अगर ऐसे जिससे टकराव हो, नहीं समझ गए कि बिना मतलब में, तो वही चीज हम कहना अगर छोड़ दे एक दूसरे की, जो कहते हैं ना बुराई करना ये चीज, तो धीरे धीरे वो चीज लोप हो जाएगा और एक कहते हैं ना फसल अच्छा से उगेगा।
मतलब धीरे धीरे लोग तब तो मेंटल फ्री होगा, फिजिकल आप अच्छा रहोगे तभी तो होगा। हाँ स्वाभाविक है, हमें अगर सुविधा मिल रहा है तो कोई चीज का उपयोग करेंगे, लेकिन देखेंगे अगर उस सुविधा से 10 दिन की सुविधा से अगर साल भर हमें प्रॉब्लम हो तो वो 10 दिन की सुविधा लेंगे, आप बताओ। लेकिन 10 दिन प्रॉब्लम से अगर साल भर की सुविधा हो तो 10 दिन का प्रॉब्लम लेंगे उस हिसाब से। तो ये चीज तो अपना अपना डिसाइड करना है, क्योंकि अब यही कहीं किसी को खरपतवार ही स्पेशल उगाना है तो वो खरपतवार ही करेंगे, तो खरपतवार में क्या है कुछ भी डाल दो, लेकिन उसमें भी अगर उसमें भी तो जहर होता है। तो आप जो बोओगे वही तो पाओगे, कहने का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो किसी चीज का मेरा कहने का तो लोभ कैसे होता है, हम उसका उपयोग करना बंद कर दे पूरी तरह से, तो धीरे धीरे एक लंबे समय में वो क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। गाली गलौज हम जो करते हैं उसका क्या हो रहा है, कोई भी चीज में आप समझ गए ना, कुछ ऐसी वर्ड जिसे कहता है अरे यार तो बोलचाल में आता है तो उसका लोप कैसे होगा, तो लोप यानी वो वर्ड बोलना छोड़ दे। अब हम इंग्लिश बोल रहे हैं बार बार इंग्लिश, तो दूसरे का तो ऑटोमेटिक लोप होना ही है, तो कठिन अपना रहे हैं जो समझ रहे हैं, तो हर जगह का स्थानीय स्तर पे अलग अलग है, वो चीज मैंने पिछली पार्ट में बता दिया है। तो वही चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज को लोप होने देना है और किस चीज को रखना है, क्योंकि परंपरा जो चलते आ रहा है उसमें अगर त्रुटि हो गलत हो तो उसको सुधार करेंगे, लेकिन जब सही हो तो उसमें सुधार करने की जरूरत नहीं है, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो वही है फसल को बर्बाद करना, अगर आपको लग रहा है नहीं इसमें खरपतवार के साथ ही खाना है मिक्स भेजी मतलब समझ गए हो ना, तो ठीक है अच्छा लग रहा है वैसे ही, तो वैसे ही ठीक रहेगा ये पूरा। वही कहते हैं ना खुद ही कहते हो ना कि फसल पूरा एकदम दिखने में अच्छा लग रहा है, तो आप देखो ना, तो पूरा अगर ब्रह्मांड ले लो मतलब कहने का तो समझ लो ना आप यूनिवर्स ले लो पूरा, तो उस हिसाब से तो ये क्या होगा, अरे अगला अगला तो अगला की फसल नहीं अपना फसल पे ध्यान देना है, अपने आप सब हो जाएगा। क्योंकि आप मतलब कहने का तत्पर आपको स्वस्थ रहना है, तो आप देखोगे ना हमें कहाँ पे टाइम किससे हमें प्रॉब्लम हो रहा है किस चीज से, तो वो चीज नहीं करना है। मेंटली डिस्टर्ब रह रहा है तो क्या ऐसा बोलते हैं यार उसका उपयोग करना बंद कर दो, देखो आप कितना मेंटल फ्री रहते हो बिना मतलब में उसकी उसकी इसकी सोचे क्या ये वो, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। हाँ तो ये देखना आप लोप, जब ये सब लोप हो जाएगा ना कहने का तत्पर खरपतवार कहने का सिस्टम समझ गए ना ये हटा के, तभी ये फसल लहलहाएगा ठीक है और वो अच्छा लगेगा। अब इसको जितना नम रहा हो जिस पे भी अप्लाई कर दो, अब आपको जो लग रहा है गलत चीज है उसका यूज करना, उसके तरीकों को मतलब बदलना सीखो ना, उसमें चेंज करो, लेकिन जो सही है उसको क्यों बदल रहे हो। और उसको क्या करेंगे मानता हम सब देते हैं ठीक है भाई, उसने किया हम भी करेंगे, तो भाई उसने कर रहा था अगला तो बहुत कुछ करता था कि हम भी कर लेंगे अगले जैसा, हर चीज कंपेयर करो फिर वही बात है, देखा देखी तो होता है कि उसने किया तो हम भी करेंगे उसने किया, तो भाई वो सब कुछ करता है वो उसके पास इतना है तो तेरे पास इतना है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो आपको ये देखो कि फसल कैसा रखना है आप अपने पास, क्योंकि एक स्तरीय होता है ना कि आप जहां उतना ही देखोगे, कितना किसी चीज के पीछे कितना रहोगे अंति नहीं है किसी चीज का, जितना गहराई में जाओ जानने के उसके पीछे उतना कम पड़ेगा। अब देखो गौर से, अब जितना सोचो काल्पनिक कर करो जितना करो जितना करो, लेकिन बुराई सोचते हो गलत चीज सोचते हो तो उसका इम्पैक्ट भी तो गलत ही होगा, क्योंकि अगर निगेटिव साइड देखते हो तो देखो ना क्या हो रहा है। अगर मान लो जैसे मान लो एक रनिंग ठीक है फिटनेस ठीक है, तो आप शेड्यूल आप पेपर इसको ही लो एक पेड़ को ही लो, पेड़ को आप क्या करते हो देखभाल करते हो, तो एक शेड्यूल आकार में तो कहते हो ये देखो पेड़ कैसे लगा हुआ है, और जब किसी पेड़ को नहीं देखते हो जैसे कहीं रहता है तो वो तो देता है पर्यावरण के लिए, लेकिन उसका कहीं डार इधर कहीं उधर तो देखते हो ना, उसको काटते हो फिर एक समय पे क्या होता है जब वो प्रॉब्लम होता है तो काटते हो, तो प्रॉब्लम बढ़ने से पहले अगर छांट दो तो वो कितना शेड्यूल लगेगा देखने में, जब एक भव्य रूप ले लेगा तो कठिनाई होता है ना। तो मेरा कहने का तत्पर यही है, तो देखा देखी वाला सिस्टम है,
और हम अक्सर छोड़ देते हैं उसने उसने उसने, तो भाई उससे सब कुछ तो नहीं मिल रहा है, उसके घर में जो बना हमारे घर में जो बना, सबके सिस्टम तो सो नहीं है। बस अपना जहाँ भी मेंटेलिटी फ्रेश रहो कोई भी, ठीक है, और कोई भी चीज़ अवांछनीय जो हो रहा है तो वो आसपास आपके आसपास इर्द गिर्द वो चीज़ ना हो जिससे मेंटेलिटी या कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। मतलब ऐसा प्रॉब्लम का मतलब ये तो नहीं है कि आप गलत करोगे, आप चाहोगे आपके पास प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे वैसा तो फल होगा ही, मिलेगा ही। टॉपिक है किस चीज़ को लोभ कैसे, मतलब किस चीज़ का लोभ कैसे होता है, तो आप समझ गए उसका उपयोग करना बंद कर दे। देखिए धीरे धीरे एक लंबे समय बाद लोप हो जाएगा और एक फसल क्या होगा, लहलहाएगा, फिर उस समय बात ही कुछ और होगा, ठीक है। अब जिसको जितना नम्र है